फाइनली गाइस, आप लोगों को भी फ्री फायर में पिंक हाई प्रॉब्लम, नेट इशू प्रॉब्लम, पिंक 99 होते हैं। बट दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों का पिंक जो है वो नॉर्मल रहेगा। भाई यहाँ पर मेरे साथ भी यही केस हो रहा है, भाई मैं अपने गेम को खेल रहा था। बट गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। 2024 की न्यू ट्रिक आ चुकी है, जिसे आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोगों को कभी भी नेट प्रॉब्लम इशू देखने को नहीं मिलेगी। तो चले गाइस, फटाफट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेटिंग, यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग में क्या करना है, अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नेटवर्क वाले बटन पर टैप कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका जो सिम है आप लोगों को उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे की ओर आप लोगों को एक्सेस पॉइंट नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को रिसेट कर देना है इस पॉइंट को। यहाँ से इससे क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड साथ ही आप लोग जैसे ही बैक करेंगे यहां पर आप लोगों को अपना फोन को देख लेना कि 2G में चल रहा है, 4G में चल रहा है, 5G में चल रहा है, आप इसको भी चेक कर लेना। अब गाइस, यहां पर मैं आप लोगों की रह चुकी है दो सेटिंग और, अब आप लोगों को दो सेटिंग को और फॉलो करना है। तो यहां पर दो नंबर की सेटिंग आप लोगों को क्या करना है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आ चुका हूं अपनी लॉबी में, और लॉबी में आने के बाद सबसे पहले यहां पर आप लोगों को सेटिंग वाला बटन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप लोग यहां पर सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, सबसे पहले यहां पर आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली सेटिंग आप लोगों को यहीं पर ही करना है आपके होम स्क्रीन पर। यहां पर आप लोगों को एक आप लोगों को देखने को मिलेगा रिपोर्ट इंटरनेट डिवाइस योर कनेक्ट। तो गाइस, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिपोर्ट इंटरनेट इशू। यहां पर आप लोगों को रिपोर्ट इंटरनेट वर्क नेटवर्क रिपोर्ट नेटवर्क इशू यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को यहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पर आप लोगों को 1 से 2 फेरी सेंड रिपोर्ट मार देना है। इससे क्या होगा, गरीना वाले के पास आपकी रिपोर्ट जाएगी, गरीना वाले चेक करेंगे अगर आपके अकाउंट में कोई भी ग्लिच या बग होगा उसको फिक्स कर देंगे। एंड यहां पर आप लोगों को इसके ऊपर एक और देखने को मिलेगा क्लियर चेक, आप लोगों को 1 से 2 बार क्लियर चेक भी कर लेना है अपने गेम को। एंड क्लियर चेक करने के बाद गाइस, यहां पर आप लोगों को एक बटन देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को शो करा रहा हूं। यहां पर आप लोगों को नेटवर्क का बटन देखने को मिल जाता है थोड़ा सा नीचे की ओर। तो यहां पर आप लोगों को नीचे की ओर एक नेटवर्क का बटन देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को सिंपल इस नेटवर्क वाले बटन पर क्लिक करना है। नेटवर्क वाला जो बटन आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसके ऊपर टैप करना है। एंड टैप करने के बाद यहां पर आप लोगों को ऑन ऑफ का बटन आ जाएगा। यहां पर गाइस, आप लोगों को ऑफ हो रहा होगा तो आप लोगों को इसको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, ऑन करने से ऑफ करने से इससे क्या होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इससे ये होता है गाइस, अगर आप लोग इसको ऑन कर लेते हैं आप लोगों का जो है यहां पर 50% नेट बिल्कुल अच्छा चलता है, 50% अच्छा नेट आपका चलेगा इसे ऑन करने से। ये गरीना वालों ने यहां पर फीचर दिया है। एंड उसके बाद यहां पर आप लोगों को डिस्प्ले पे आ जाना है। डिस्प्ले पे आने के बाद यहां पर आप लोग अपने गेम को किस उसमें खेल रहे हैं, यहां पर आप लोगों को स्मूक देखने को मिलेगा, अल्ट्रा देखने वो, यहां पर आप लोगों को स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, अल्ट्रा देखने को मिलेगा एंड मैक्स। तो भाई अगर आपका गेम है थोड़ा सा हाई डिवाइस का तो यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपका गेम काफ़ी अच्छा है। एक बार मैं दोबारा से चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका गेम है यहाँ पर मोबाइल आपका काफ़ी अच्छी है, रैम है, तो आप लोग अल्ट्रा रख लेना, वरना अगर आप लोग इंटरेस्ट है यहाँ पर आप लोग स्मूक एंड स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल के ऊपर से कंपेरिजन करना है वो आप लोग कर लीजिए। अब गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लास्ट सेटिंग बता देता हूँ जो कि होती है हमारी सबसे बेहतरीन सेटिंग, जो कि अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों को नेटवर्क इशू प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ओके गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर इस सेटिंग को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक कोड को कॉपी पेस्ट रखना है। एक कोड होता है उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। कोड कैसे मिलेगा, आप लोगों को गूगल क्रोम पे आना है। एंड गूगल क्रोम ब्राउजर की जो सर्च बार होता है यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में आना है। एंड यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है FF07। यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, FF07Gamer75। यहाँ पर आप लोग को इतना सर्च कर देना है FF07Gamer75। जैसे यहाँ पर आप लोग इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। मेरा डेस्कटॉप पे लगा है, मैं डेस्कटॉप से हटा लेता हूँ
ओके गाइस, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। FF07Gamer75 यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को टैप पे कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज लेगा एंड यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे की ओर आना है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को एक बटन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला सर्च वाला, सर्च वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर देना है DNS। यहाँ पर आप लोगों को DNS सर्च कर देना है। DNS सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने एक पोस्ट देखने को मिलेगा, बेस्ट लग्जरी मॉडल, तो आप लोगों को इसी के ऊपर टैप कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऐड आएगा, इसको कट कर लेना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक कोड देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक कोड देखने को मिल जाता है, ये रहा। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा dnsa.google.co। अब आप लोग बोलेंगे इसको तो हम लिख के भी टाइप कर सकते हैं, बट ऐसी गलती मत करना क्योंकि ये आपका लिख के वर्क नहीं करेगा। ये ओनली प्राइवेट DNSA द्वारा दिया गया कोड है जो कि कॉपी एंड पेस्ट ही वर्क करेगा। तो याद रखना है, कॉपी एंड पेस्ट ही वर्क करेगा। तो आप लोग को इसके ऊपर प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद अब आप लोग को अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाना है। अब आप लोग बोलेंगे इसको कहाँ पर यूज करें। अब यूज करने के लिए आप लोग को अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है, जो कि सेटिंग होती है, सेटिंग के सर्च बार में आप लोग को सर्च करना है। यहाँ पर जो सेटिंग का सर्च बार होता है, यहाँ पर आप लोग को सर्च कर देना है DNS। तो यहाँ पर आप लोग को DNS सर्च कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप लोग को प्राइवेट DNSA देखने को मिलेगा एंड इसके नीचे आप लोग देखना, यहाँ पर आप लोग को नेटवर्क एस इंटरनेट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा काम करती है ना प्राइवेट DNSA, ये नेटवर्क से ही काम करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट DNSA देखने को मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट DNSA वाले बटन पर टैप करके थर्ड नंबर पर टैप करना है। तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको ओप देखने को मिल रहा है ऑटो एंड यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट DNSA, इसके ऊपर आना है एंड जो कोड हमने यहाँ पर टैप किया था उस कोड को लाकर यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करके सेव कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपका काम हो चुका है खत्म। आप लोग को अपने फ़ोन को एक बार फ्लाइट मोड पे लगा के अपने गेम को स्टार्ट कर देना है। अब आपको अनफ्यूचर कभी भी ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी जो कि आप लोग को। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोग को इस वीडियो में तीन सेटिंग बता दिया, जिसे आप लोग तीन सेटिंग को फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को नेट प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। एंड गाइस साथ ही यहाँ पर आप लोग एक बात और सुनना, यहाँ पे अगर आपके एरियाज में इंटरनेट यहाँ पर कम स्पीड है, आपको अपने नेट को भी चेक करते रहना है। एंड बहुत सारे बंदों के केस में क्या होता है, उनका भाई 1.5 GB खत्म हो जाता है एंड वे गेम को ओपन करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बट उनकी जो है माई जियो में तो वहाँ पर शो करता है बट वहाँ पर आपका गेम ओपन नहीं करता है। तो इसमें आप लोगों को अपने डाटा को भी चेक कर लेना, आपके फ़ोन में डाटा है या नहीं है। भाई बहुत सारे केस यहाँ पर मेरे सामने ये भी आए हैं, बहुत सारे बंदों की डाटा खत्म हो जाती है और फिर सर्च करते हैं कि भाई गेम में 99 प्रॉब्लम आ रही है, 99 प्रॉब्लम आ रही है। बट गाइस क्या होता है, बहुत सारे बंदों के उसमें डाटा होता भी है फिर भी 99 प्रॉब्लम आती है। तो भाई उसके लिए मैंने आप लोगों को तीन ये सेटिंग बता दी, आप लोग इनको फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं फ्यूचर वीडियो डालूंगा आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो गाइस फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा।